हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम्स ऑफ ब्यूटी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन का। तो ये रिकमेंडेड है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा किसके लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन के लिए। और ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इसी टाइप की है, इसके ऊपर कोई और कवर नहीं आता, प्लास्टिक की बॉटल ही आती है। ये आपके स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को 48 आवर तक ग्रैन्यूल्स से प्रोटेक्ट करता है। इसमें एवोगैड्रो ऑयल, एसेंशियल विटामिन ई, B3 एंड प्रो विटामिन B5 है। इसकी क्वांटिटी 100 ml है। इसका प्राइस 445 है। आप देख सकते हैं इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर की है। ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रेसी है। और इसको आप 1 वीक में अप्लाई करने से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी स्किन से अगर मॉइस्चर उड़ गया है, रिस्टोर कर देगा आपके मॉइस्चर को। आपका मॉइस्चर गायब हो गया है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, उसको नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं आती है। ये आपके क्लॉक्स को पोर को क्लॉक भी नहीं करेगा। इससे इरिटेशन नहीं होती है। ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन की ड्राइनेस, इरिटेशन, रफनेस सब दूर करने में बहुत हद तक ये हेल्प करता है। और आपका मॉइस्चर लॉक करने में भी हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इसमें बहुत कम केमिकल यूज़ हुए हुए हैं और इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं आती। मैंने आपको बता दिया आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, फेस बॉडी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। अपने जैसे नॉर्मल आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसी टाइप से। और ये अंदर से वाइट कलर का आता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरा यहीं पर लगा हुआ है बहुत ढेर, आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का आता है। आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को एक हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत अच्छा है हॉल स्किन टाइप के लिए। और अगर आपकी स्किन पे हल्के फुल्के स्पॉट्स हो गए हैं, ड्राई पैचेस हो गए हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।